First of all, very good morning, our dear students. Today I am going to start a new chapter of science subject, class 4. Chapter 1 is food and digestion, bhojan aur pachan. पहले मैं चैप्टर को रीड करूंगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी. हैव यू एवर थॉट वाई डू वी फील हंग्री? कभी आपने सोचा है कि हमें भूख क्यों लगती है, हम भूख अपने आप को भूखा क्यों महसूस करते हैं? आवर बॉडी मेक अस फील हंग्री एंड टेल अस दैट इट नीड्स फूड. हमारा शरीर हमको भोजन भूख महसूस करवाता है और कहता है कि हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता है, भोजन की. वाई डज इट नीड फूड? क्यों जरूरत होती है हमारे शरीर को भोजन की? आवर बॉडी वर्क्स ऑल द टाइम. हमारा शरीर पूरे समय काम करता है. इट वर्क्स व्हेन वी प्ले, ईट, वॉक, ब्रीथ और रन. ये उस समय भी काम करता है जब हम चलते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, चलते हैं, सांस लेते हैं और दौड़ते हैं. सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कीप वर्किंग इवन व्हेन वी आर एस्लीप लाइक आवर हार्ट. कुछ शरीर के कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जो हम सो जाते हैं उसके बाद भी वर्क करते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट मतलब दिल. द हार्ट बीट्स ऑल द टाइम टू पंप ब्लड. हमारा दिल की धड़कन एनी टाइम हमारे ब्लड को पंप करती है. फॉर डूइंग ऑल दीज वर्क अवर बॉडी रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ एनर्जी. इन सारे कामों के लिए हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत होती है. फॉर फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी? हम ये एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं? वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. ये सारी एनर्जी हमको वहाँ से मिलती है, जो भोजन हम करते हैं उसी से हमको ये सारी एनर्जी मिलती है. वाई वी ईट फूड? हम भोजन क्यों करते हैं? वी ईट फूड टू गेट एनर्जी टू स्टडी, प्ले एंड वर्क, ग्रो एंड कीप अवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी. हम भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमको ज़रूरत होती है ताकत की, जो ताकत हमको पढ़ने में ज़रूरी होती है, खेलने में और काम करने में. साथ ही में भोजन हमको बढ़ने में भी सहायता करती है और हमको हम फिट एंड हेल्दी रखती है, मतलब तंदुरुस्त और स्वस्थ रखती है. फूड गिव अस एनर्जी टू प्ले. भोजन हमें एनर्जी देता है खेलने के लिए. फूड गिव अस एनर्जी टू स्टडी. भोजन हमको एनर्जी देता है पढ़ने के लिए. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क. फूड हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए. फूड हेल्प अस टू ग्रो. भोजन हमें बढ़ने में भी हेल्प करता है. अगला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिएंट्स. फूड कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. द सब्सटेंस दैट आर नीडेड बाय अवर बॉडी फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. भोजन में बहुत तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं. ये सारे सब्सटेंस जो हमारे बॉडी को बढ़ने में, स्वस्थ रखने में मदद करता है हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए. न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन अवर बॉडीज फूड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में किस रूप में मिलते हैं ये पोषक तत्व? कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, प्रोटीन्स के रूप में, फैट्स के रूप में, विटामिन्स के रूप में एंड मिनरल्स के रूप में. ठीक है, अभी आप आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रीड करवाया गया है. नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे रीड करवाएंगे. तब तक के लिए आप लोग अपने टेक योर नोटबुक एंड इतने तक का वर्ड मीनिंग आप लोग नोट कीजिए और उसको लर्न कीजिए.